एक अध्यक्ष महोदय, एक मीडिया में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने एक स्टेटमेंट दी है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षण पूरे सदन का करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा है कि जींद जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा। 2005 और 2011 में हुई थी अध्यापक के खिलाफ शिकायत डिप्टी सीएम। 2005 और 2011 में किसने बचाया अध्यापक को डिप्टी सीएम। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के घर पर करवाया गया समझौता। अध्यापक पर डीडीआर होने के बावजूद एफआईआर ना करवाने को लेकर गीता बुक्कल के घर झज्जर निवास पर हुई पंचायत। इतिहास के अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की जांच करे पुलिस। अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। इस तरह का इतना बड़ा एलिगेशन इनके विधानसभा उच्चाणा क्षेत्र के गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, उनको बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी स्टेटमेंट। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूँ। ये धमकी देने की आवश्यकता नहीं है, मर्यादा जो है शब्दों की मर्यादा सरकार से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती कि आप धमकी दे करके सदन के अंदर धमकी सदन के बाहर मीडिया में स्टेटमेंट दी गई है। ये ठीक है, जो कार्रवाई करनी है आप करिए, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन आपकी मीडिया में उसके अंदर धमकी नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मीडिया में ये स्टेटमेंट चल रही है। संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा इस सदन में ये स्टेटमेंट दी गई है, सदन के बाहर नहीं दी गई। की जांच जो आप ना जहां पुलिस से कराने की बात करते हो, इसकी जुडिशियल जांच कराओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप इसकी जुडिशियल जांच करवा लो ना, है? जो इशू अभी यहां पे आप डिस्कस कर रहे थे, इस सारे मामले की 2005 से लेकर के अब तक की जुडिशियल जांच होनी चाहिए। रिमांड पर तब लिया जाता है जब किसी बात की इन्वेस्टिगेशन बाकी हो, जब एक तथ्य सामने आ गए कि वो कल्प्रेट दोषी ठहरा दिया गया और उसमें उसको टर्मिनेट कर दिया और उसको आज भी जेल के अंदर है, तो इसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी चीजें, इससे बड़ी कोई सजा आप सुझा सकते हो तो हमें बता दो जो हमारे दायरे में है। अब उसको अंदर डाल दिया, बाकी जो धाराएं हैं उसका इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ये सारा कुछ काम करेगा, वो सारे वकीलों का कोर्ट का जजेस का काम वो सब करेंगे, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ उसकी जांच कराओ, जैसे मैंने सदस्य ने कहा है जांच कराओ हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इस पूरे वाक्य की, इस ऐसे व्यक्ति के नेचर के अंदर अगर ये चीज रही है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरी की न्यायिक जांच कराओ। इस मामले की जांच जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो फैक्ट्स आपके पास है या उनके पास है कि 2005 से लेकर के क्या उस जो अध्यापक था उसके क्या क्या व्यवहार रहा है, किस किस प्रकार से उसको टर्मिनेट किया गया या सस्पेंड किया गया है, किस प्रकार से दोबारा उसकी नियुक्ति हुई है, ये सारी चीजों की जांच हम जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाईकोर्ट के जज से उसकी जांच कराई जाए। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। मामला हमने यहाँ हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया, दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, सो इसलिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय सर, इट शुड बी, इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो, हाई कोर्ट का जज क्या करेगा, हाउस की प्रोसीडिंग है, नहीं क्या सुना आपने हाउस की प्रोसीडिंग का हाई कोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया, ये मैंने तय नहीं किया, सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया, मेरी बात सुनो, हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है, प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0 आवर के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल एलिगेशन, अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना पर्सनल है कि नहीं, झूठा है क्या है, विड्रॉ करें, कैसे पता लगेगा, तो आपने विड्रॉ करें, नहीं नहीं ऐसे जब तक करें, जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं, ये आपने विड्रॉ करें। फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको
प्रोसीडिंग्स में लिया जाए, ये सारा बात ये करेक्ट करें, ये करेक्ट करेंगे, ये दिस इज मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री बिशनलाल सहनी जी अध्यक्ष महोदय, नहीं देखिए जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आप नहीं, ये निर्णय हाउस का है, ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए, देखिए जो एलिगेशन इंक्वायरी किस चीज की, जो आपने एक दूसरे अध्यक्ष महोदय टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत? ठीक है, हाँ जी करो, बस यही है करो। लेकिन हाँ जी, अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई, इन्होंने कहा है दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, जो अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। दो और दो चार तो ज्यादा नहीं होता है, दो चार ही होंगे ना, सच आएगी ना, इन्होंने पता लग जाएगा कि दो चार कौन। मेरी बात सुन रहे हैं, बेचैनी से क्यों? नहीं नहीं बेचैनी नहीं, मैं मेरा तो ये है कि आप लोगों ने आप किसी की बात सुन के नहीं, आपने हाउस ने डिसाइड किया, जो विषय हाउस डिसाइड कर सकता है उसके ऊपर दोबारा फिर दोबारा उसके ऊपर। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं आई एम लिसनिंग एवरीथिंग, बट फॉर ए मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लीडर ऑफ द इंटरव्यू कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन सारी स्थिति में देखिए नेता कभी भी किसी समय भी इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ सदन के नेता किसी भी टाइम इंटरव्यू कर सकते हैं, ही हैव गॉट एवरी राइट। अध्यक्ष महोदय, सुन तो लो ना, फिर आप क्या कर रहे हो? कल के जो कल के विषय आपको दोबारा टाइम से मैं कर रहा हूँ, मैं दोबारा टाइम दूंगा, मैं उनके बोलने के बाद दोबारा टाइम दूंगा, उसको क्लैरिफाई करिए। नहीं नहीं देखिए, लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा, लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा। एक विषय पर कल इतनी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो चर्चा करने वाले लोग थे, नहीं नहीं लीडर ऑफ द हाउस ने ही डिमांड की थी इसकी इंक्वायरी कराई जाए और कोई समिति बनाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि बाद में यह आया कि किसी सिटिंग जज से कराई जाए। हाँ। हमने तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज का जब निर्णय हो गया आपके द्वारा, हाँ, कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इंक्वायरी करें, आज होम डिपार्टमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब, उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज की आप नियुक्ति करें और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कल चर्चा हुई है उस सारी चर्चा में जो बिंदु आए थे सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे। उसके अलावा भी उस विषय से संबंधित कोई विषय बाकी रहता हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लिख करके दे दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जोड़ा जाए, खास करके उस विषय के ऊपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानी सारे के जो इंक्वायरी वो एक सिटिंग जैसे करने के लिए तैयार हैं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं, और अगर एक इंक्वायरी तथ्य रूप में सामने आएगी तो जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। हाँ जी, अब हाँ बोलिए। हाउस में आरोप लगे, फॉल्स एलिगेशन लगे अगेंस्ट, वो है आपकी जो है जीरो आवर में कोई नहीं लगा सकता, ये आपकी नहीं, ये जीरो आवर का मामला नहीं है, जीरो आवर मामला है। नहीं नहीं नहीं, जीरो आवर ये जो निर्णय हुआ, देखिए ये निर्णय हुआ जीरो आवर के बाद में हुआ था, ये निर्णय जीरो आवर के बाद में हुआ था, जीरो आवर में नहीं था निर्णय की बात, ये निर्णय नहीं है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन जीरो आवर के बाद में लगे, आप सुन लेंगे, जीरो आवर का मामला नहीं, आप सुन लेंगे चार नहीं, पहले जवाब दे लेंगे चारों, जीरो आवर का मामला था ही नहीं तो गलत क्यों हो? आप हाँ जी मेरी सुन लो, आप बोलिए तो आप कह देना पहले क्यों काट रहे हो बात को? नहीं नहीं बताइए, आप बोलते नहीं नहीं नहीं, देखिए गलत है जैसा है कि अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, आप ये जीरो आवर का मामला नहीं था, ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना। हाँ बिल्कुल, सबको राइट देना, मैं सुन आप सरकार की प्रोटेक्शन में। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ, फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स है उनको मैं राइट कर रहा हूँ। बोलने दो मेरे को। हाँ जी बोलिए बोलिए। जीरो आवर का मामला था? नहीं, जीरो आवर का नहीं था, ये जो डिसीजन हुआ जीरो आवर के बाद में हुआ। आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था। ठीक, आप मेरी सुनो,
नहीं सुनता मैं बैठ जाता हूँ। नहीं बेटी, गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो? गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखे। जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो जीरो आवर में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय ये पता करे, जीरो आवर का मामला ये, जीरो आवर में इन्होंने उठाया, जीरो आवर में, जीरो आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट के विषय हुआ था। हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, बाद में ही विषय हुआ, एक मिनट, जीरो आवर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, एक मिनट, हुड्डा साहब सुनिए, हुड्डा साहब सुनिए, ये जीरो आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है, ये कौन कॉर्ड रिकॉर्ड है, ये तो इसके अंदर तो ये तो उन्होंने क्या कहा जीरो आवर में? सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, फॉल्स एलिगेशन, वो जीरो आवर में लगाया कि नहीं लगाया? वो उन्होंने इस विषय को उठाया, इनकी छोड़ दो, नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, उनकी स्पीच निकलवा जीरो आवर, उन्होंने प्रोसीडिंग निकलवा, इन्होंने इस विषय को जो उठाया जीरो आवर के बाद में उठाया। नहीं नहीं, हाँ जी, आप अपने आप हवाई चल रहे, रिकॉर्ड है, आप मेरे सुन रहे, रिकॉर्ड है, हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ, रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड, हाँ जी, जीरो आवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ, ठीक है, पर मैं इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया, हाँ या ना? नहीं नहीं, आया ना, देखिए जो विषय, आया ना, ठीक है, मैं तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सुनता हूं, सवाल आप सवाल नोट कर लो, जवाब दे दे रहे हैं आप, ठीक ठीक, सवाल इस बात का है, जीरो आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए, जीरो आवर में लगाए या नहीं लगाए? नंबर एक, ठीक, नंबर दो, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ, और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 में सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं, वो तो 2008 में है, 2000 ये रिकॉर्ड है, तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं 2005 में ये इंसिडेंस हुआ, तो क्या मतलब हुआ, तो कौन जिम्मेवार है? मेरा ये है, गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराओ उस आदमी की शुरू से क्या किया, लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसका, हाउस की गरिमा ये है कि आप अपनी लफ्ज वापिस लें या डिलीट करो इनको, दोनों पर्सनल एजुकेशन। देखिए जब एक इंक्वायरी मार्क हो गई, एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा, नहीं हाउस का रेजोल्यूशन है, तो सदन की गरिमा ऊपर रख दो। नहीं नहीं नहीं, ये भी ये सदन ने तय की है, आपकी जिम्मेदारी, मैंने नहीं तय किया, आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा, हाउस ने, ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया है हुड्डा साहब, जो निर्णय किया वो हाउस ने किया, मैंने नहीं किया, जो निर्णय किया हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। लोकसभा में ऐसा कई बार मामला होता है, कभी कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, नहीं आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो? नहीं इंक्वायरी हो, हाँ, तो बस फिर और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो? हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है जो आपस के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगे हैं एक दूसरे के ऊपर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए उस आदमी की जिसके खिलाफ है ना, उसकी शुरू से क्या है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो। नहीं हमने तो हमारी बात, हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, हमने तो इंक्वायरी करनी है कि जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगे हैं उसकी इंक्वायरी करनी है। अच्छा एक बात चीज में मैंने नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा, एक और हाई कोर्ट के जज से जो उन्होंने बात कही कि 2005 में एक और नौकरी में और मैंने ये कहा था कि जो तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा, जहां था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया, अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ, 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, 8 में आपने प्रिंसिपल भर्ती किया, सरकारी नौकरी में था, और 8 के बाद ये 2012 में दोबारा हुआ, और डीडीआर तथ्य वही है, वैसे ही है और सत्य है। देखिए ये सरपंच लगता नहीं है कि जब इंक्वायरी हमने सुप्रीम हाई कोर्ट जज से मांग ली है, लेट सारे तथ्य आएंगे, पर्सनल एलिगेशन ये लगा, इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई इंक्वायरी कैसे करेंगे? एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इंक्वायरी में पहले भी कहते रहे, ये तो आज पहली बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें
कि हमारे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें, अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है। उसने कहा कि उस दौरान डीडीआर कटी और ये कहा कि हमारे घर पे पंचायत हुई। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हुए आज मैंने सदन के नेता मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर को ये बता दिया है कि 2005 में ना तो जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सरकारी कर्मचारी था और ना ही 2011 में मेरे झज्जर निवास स्थान पर कोई मीटिंग नहीं हुई। और आज जैसे ही सदन शुरू हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने इस बात से पीछे हटे कि 11 नहीं 12 की बात है, 5 में वो सरकारी टीचर नहीं था, वो प्राइवेट टीचर है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई जाए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से अगर इसकी जांच करवाई जा रही है तो हाउस का सेंस लेते हुए पूरी तरह से पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जो मैंने कहा उसको तो एक्सपंज कर दिया और जो झूठे एलिगेशंस दुष्यंत चौटाला ने मुझ पर लगाए उनको एक्सपंज नहीं किया। तो हम चाहते हैं स्पीकर साहब भी एक तरफा सरकार का साथ देते हुए नजर ना आए। हम लोग यहाँ पर सदन में हमारी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑपोजिशन के नेतृत्व में हम लोग एक प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं। जो झूठी स्टेटमेंट दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर देने का काम किया है, मुद्दा तो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ 142 गर्ल्स इन स्कूल। इनके दफ्तर के 500 मीटर पे ही वो स्कूल है जहाँ पर ये लड़कियों के साथ अन्याय हुआ। मैं एक बात का आश्वासन दे सकती हूँ, इन गरीब दलित लड़कियों की के साथ जो मामला हुआ है, जो जींद में हुआ है, उच्चाणा में हुआ है, एक चुनी हुई विधायक होने के नाते हमारा फर्ज और दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि उन बेटियों को न्याय दिलवाने का काम हम लोग करें। घटना घटी उस दिन आपस में किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमारी एक विधायक के बारे में कहा कि जो प्रिंसिपल है उसको उन्होंने बचाने का काम किया, उनके घर पंचायत हुई। तो इस मामले में मैं तो था नहीं, हाई कोर्ट को किया उन्होंने, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने उनको दे दिया। लेकिन ये पहला वकवा है ऐसा जो आपस की बात विधानसभा की बात किसी हाई कोर्ट के रेफर की। हमने कहा हम मांग करते हैं हाई कोर्ट की होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, शुरू से लेकर इस व्यक्ति की शुरू से होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा में आपस में हो उसके लिए। लेकिन उन्होंने कहा है तो हमने इंक्वायरी से हम नहीं होते, हम चाहते इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। इस वास्ते टर्म ऑफ रेफरेंस दो दिए हमने, एक तो ये कब DDR कटा है, तारीख उसकी, DDR की कॉपी। और उन्होंने अलर्ज किया है गीता जी ने बताने का काम किया, उनके घर पे मीटिंग हुई, कब हुई, कौन सी तारीख को हुई, हुई एक नहीं हुई, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जाएंगी। इसके अलावा सारे एपिसोड की इंक्वायरी हुआ हो जो इस प्रिंसिपल के खिलाफ। और इस समय मैंने कहा था हाउस की गरिमा रखते हुए मगर ये फॉल्स एलिगेशन है, आप इसको विड्रॉ कर लें ताकि हाउस की गरिमा रहे। लेकिन उन्होंने नहीं किया तो हमने फैसला किया, हमारी पार्टी ने प्रिविलेज मोशन हमने मूव कर दिया है शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम आज भी कल वाले मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिला है सेशन में, किस प्रकार से पूरा मामला है शुरुआती तौर पर जानना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने ये सवाल उठाया और क्या पूरा मामला है? देखिए जिस तरह से विधानसभा में 0R में बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से असुरक्षा की भावना जाती जा रही है उस मामले को हमने उठाया था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने एक झूठी स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी, जिसको लेकर आज मैंने स्वयं माननीय स्पीकर महोदय और मुख्यमंत्री जी को और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसको कहा कि उन्होंने झूठी स्टेटमेंट दी है। 2005 में जिस टीचर की बात हो रही है वो सरकारी नौकरी में नहीं था, 2011 में ना ही 2005 में कोई किसी प्रकार की DDR हुई, ना ही कोई बैठक हुई। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने जो ये षड्यंत्र मैं कहूँगी या जो रचा, मैं समझती हूँ कल उस पर भी चर्चा होगी, अच्छी बात है पूरे मामले की। जो यौन शोषण गरीब दलित परिवार की बच्चियों के साथ हुआ है, संज्ञान में आया है कि 3 बच्चियाँ वहाँ पर सुसाइड कर चुकी हैं, 800 से ज़्यादा बच्चियाँ वो स्कूल छोड़ चुकी हैं, इस मामले की जाँच ज़रूर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सिटिंग जज से जांच कराने को लेकर भी काफी गहमागहमी देखने को मिली, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वो लगातार कह रहे थे कि इस प्रकार से जो सदन की मर्यादा है वो गरिमा है वो खराब होती है।
देखिए, क्योंकि सिटिंग जज से जांच की मांग हम कई मुद्दों पर कर चुके हैं, चाहे वो संदीप सिंह वाला मुद्दा था, चाहे शराब घोटाले का मुद्दा था, या जहरीली शराब की वजह से जो डेथ हुई, या खनन मामला कई बार हुई और जांच का आदेश नहीं हुआ। सबको लगता है कि हाईकोर्ट में मामला जाने की बजाय सदन की गरिमा इसी में ही है कि सदन में ये मामला पूरी तरह से डिस्कस हो। हम नहीं चाहते इस मुद्दे पे, कम से कम हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। बहुत ही चिंताजनक विषय है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। हमारी बेटियां अगर शिक्षा के मंदिर स्कूलों में असुरक्षित रहेंगी और रक्षक भक्षक बनेंगे तो चिंता का विषय है, इस पर कल चर्चा होगी। आपके साथी बीबी बत्रा की तरफ से विधायक साथी हैं, बीबी बत्रा की तरफ से भी रूल बुक्स के कुछ रूल्स पढ़े गए उनकी तरफ से भी, क्योंकि अगर हाईकोर्ट के जज को करवानी है ठीक है आप करवा लें, लेकिन ना ही मोशन मूव हुआ, ना मोशन पर कोई वोटिंग हुई, ना चर्चा हुई, ना ही हमें कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस पता था। तो हमने ये कहा है कि अगर आप जांच भी करवाना चाह रहे हैं तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें पता चलना चाहिए कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा मैम, कल मुख्यमंत्री की तरफ से भी बीएसी की बैठक बुलाने की बात कही गई, 15 मिनट की बैठक बुलाई जाए जिसमें ये पूरा मामला डिस्कस हो सके। ठीक है, बीएसी की मीटिंग होगी, उसमें मामला डिस्कस होगा। आज भी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हमने उठाया जो कि अहम मामला था, अच्छी बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बातचीत करने के लिए ये देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला यहाँ बताते हुए नजर आया, और जिस प्रकार से पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल कह रही है कि एक गलत जो है तथ्यों के साथ उन पर आरोप जो लगाया है, इस मामले की जाँच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सिटिंग जज से जांच कराने को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि सदन की गरिमा है, सदन की गरिमा बनी रहे, और वो जांच जरूर चाहते हैं लेकिन सच का सच और झूठ का झूठ जो है वो साफ होना चाहिए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालजमन, हरियाणा न्यूज़ चंडीगढ़।